हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एक्सप्लोर हिमाचल सीरीज। और आज हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो आफ्टर वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन है हिमाचल के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो हिमाचल के CM बने हैं, तो वो कौन है? वो है वीरभद्र सिंह जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही हिमाचल जो है वो एक प्रोविंस बना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया हिमाचल प्रदेश कोर्ट ऑर्डर 1948। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें था कि एक कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? हार्बिंगटन, जो कि बेडारी शिमला में पड़ता है। और ये जो एक्ट था, वो एक्ट था हमारा द जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट एक्ट 1950। ये जो हमारा है, इसने फंक्शन स्टार्ट किया 15 अगस्त 1948। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था कि जुडिशियल कमिश्नर इस्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और जो इसकी पावर्स है वो वेस्टेड होगी हाई कोर्ट। और ये उस टाइम किस हाई कोर्ट के अंदर आता था? जो भी जैसे पंजाब हाई कोर्ट है हमारा, उसके रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर बिठाया गया, टू कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज बिठाए गए, और 27 सबॉर्डिनेट कोर्ट बिठाए गए। उसके बाद अप्रैल 1967 में दो और डिस्ट्रिक्ट में क्या मतलब शिमला और कांगड़ा में क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट और सेशन, दो और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट बिठाए गए। उसके बाद 1966 में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 लागू कर दिया। ठीक है, और उसके तहत क्या हुआ, ये जो एक्ट था वो 1 मई 1967 को फोर्स में आया था। तो उसके तहत क्या कर दिया कि ये जो एक्ट है ये यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पे भी लागू होगा। ठीक है, तो इसके साथ में क्या हो गया कि जो भी हिमाचल के जुडिशियल कमिश्नर का कोर्ट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, उसको रिप्लेस किया गया बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि कहाँ पे लगाया गया, शिमला में लगाया गया। शिमला में कहाँ पे? रेवेंसवुड में लगाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हिमाचल जो है वो स्टेट बना, तो हिमाचल प्रदेश ने अपना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया। कब? 25 जनवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर बना वो रेवेंसवुड शिमला, सेम प्लेस जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का एक बेंच लगा करता था शिमला में। ठीक है, और इसके 3 मेंबर्स, जब ये फर्स्ट टाइम हमारा बना तो यहाँ पे 3 मेंबर्स आए सामने। ठीक है, कौन? जिसमें एक चीफ जस्टिस और दो हमारे पास जस्टिस थे। तो सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस बने वो थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग, जिसको हम MH वेग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो MH वेग, जस्टिस MH वेग है, ये इंडिया के 15th चीफ जस्टिस बने। और जो दो जस्टिस थे बाकी वो कौन थे? एक थे जस्टिस DV लाल और दूसरे थे जस्टिस CR ठाकुर। ठीक है, तो जब हिमाचल का हाई कोर्ट बना तो 3 पर्सन्स के साथ इसको स्टार्ट किया गया, 3 मेंबर्स जिसको बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली CM चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो उनका नाम था जस्टिस लीला सेठ। और इनके बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये फर्स्ट वुमेन है जो सबसे पहले किसी भी स्टेट हाई कोर्ट की एक चीफ जस्टिस बनी थी। ये जो जस्टिस लीला सेठ है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में शामिल होने वाली पहली जज भी थी। ठीक है, तो किसी स्टेट हाई कोर्ट की पहली जो वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी वो हमारी बनी थी जस्टिस लीला सेठ। पहली बार ये हिमाचल में ही हुआ था, और हिमाचल की भी सबसे पहली चीफ जस्टिस लीला सेठ ही हैं। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन मेथड, कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कैसे चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनते हैं उनको, किनकी कंफर्मेशन से? जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो गवर्नर होते हैं जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का उनको चुनना होता है। ठीक है, तो वो चुनते हैं। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें, हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? रामनाथ कोविंद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना। ठीक है, और गवर्नर है हमारे राजेंद्र अर्चेकर। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का अभी का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो टोटल जजेस स्ट्रेंथ जो हो सकती है वो 32
13 हो सकती है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 9 सिटिंग जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ 13 हो सकती है लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद रफीक। ये रिसेंट ही अपॉइंटमेंट है, मिड अक्टूबर में, आई थिंक 14th अक्टूबर तक इनको बनाया गया था चीफ जस्टिस। 14th अक्टूबर से ये अभी तक भी हिमाचल के चीफ जस्टिस हैं, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है हमारी। ये हिमाचल के 26 चीफ जस्टिस बने हैं, और इससे पहले ये कहाँ के थे, इससे पहले ये मेघालय के चीफ जस्टिस थे। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था लिंगप्पा नारायण स्वामी, और इनके बाद तो काफ़ी टाइम तक एक्टिंग चीफ जस्टिस बन के रहे रवि विजय कुमार मलमट, आर के मलमट, बहुत टाइम तक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बन के रहे। अब जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो है हमारे जस्टिस मोहम्मद रफीक, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट के बारे में मेंशन है। वहाँ पे हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, पावर्स क्या है, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ इसमें इन आर्टिकल्स में मेंशन है। अच्छा, इस टाइम पे मैंने जैसे आपको बोला कि 9 सिटिंग जजेस हैं, तो उनमें 2 वुमेन जजेस हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ, और एक है जस्टिन स्वीना। काफ़ी टाइम तक ज्योत्सना रिवाल दुआ जो हैं वो इकलौती वुमेन जज थी हिमाचल में, और रिसेंट आई थिंक ये भी अक्टूबर की अपॉइंटमेंट है कि जस्टिस स्वीना को जज बनाया गया है हिमाचल हाईकोर्ट में। तो इस टाइम पे कितनी वुमेन जज होगी, 2 हमारी, ठीक है। और टोटल इस टाइम पे सिटिंग जजेस हैं हमारे 9। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं लोकायुक्ता की, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता की। आपको याद होगा कि 2014 में एक एक्ट आया था कि मतलब सेंटर में लोकपाल होना चाहिए और स्टेट में लोकायुक्ता होना चाहिए। और सेंटर के हमारे हैं अभी हमारे जो लोकपाल हैं वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, और लोकायुक्ता की हम बात करते हैं अभी। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट आया था हमारा 1983 में, ठीक है। और हिमाचल में कोर्ट ऑफ लोकायुक्ता बनाया गया 17 अगस्त 1983 में जाके, ठीक है। और जो फर्स्ट लोकायुक्ता बने थे वो थे जस्टिस टीवीआर टाटाचारी हिमाचल के, और प्रेजेंट जो हमारे लोकायुक्ता हैं वो है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। और इनके बारे में, इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है कि जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, सिर्फ वही लोकायुक्ता किसी स्टेट के बन सकते हैं, ठीक है। इस ये जो एक्ट है इसका मेन एम क्या है कि जितने भी एलिगेशन हैं, जो जितनी भी जैसे हाई डिग्नेटरीज होती हैं जैसे चीफ मिनिस्टर, एमएलएज हमारे, और जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जिन्होंने हाई पोस्ट पे जो होते हैं, हाई ऑफिसर्स में होते हैं, तो उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन होती है उनकी इंक्वायरी के लिए ये इस एक्ट को बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो लोकायुक्ता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं उनके साथ जो है हेल्प करते हैं उनकी, ताकि वो क्या कर सके, पब्लिसाइज कर सके जितने जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनके जो भी चीज़ें अगर कोई सामने आ रही हैं तो उन पे ये काम करते हैं ये लोग। अच्छा, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इसको ये भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया था 1986 में, उस टाइम पे वीरभद्र सिंह जी हमारे सीएम थे, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश, वीरभद्र सिंह जी हमारे सीएम थे तो उन्होंने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1986 में फॉर्म किया था शिमला में। इसका मेन मोटिव था कि जो भी शिकायतें, जो भी ग्रीवेंसेज होती हैं उनको थोड़ा सा स्पीडी रिकवर किया जा सके। थोड़ी सी एमसीक्यू कर लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हेन डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एक्सटेंडेड टू यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कब एक्सटेंड किया गया यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को, तो दिस आर योर ऑप्शन। तो कब किया गया था, 1966 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश के, डी बी लाल, ये जस्टिस बने थे, है ना। सी आर ठाकुर भी जस्टिस थे, एम एच बेग, तो एम एच बेग आपका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है लोकायुक्ता ऑफ एच पी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद,
जो लोकायुक्ता है हिमाचल, मतलब जो भी हिमाचल प्रदेश के, तो उनको किनकी कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी आपका ठीक है। तो ये आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो भी लोकायुक्ता होते हैं उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनकी सहमति से चुना जाता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एचपी हाई कोर्ट। तो हेडक्वार्टर ऑफ एचपी हाई कोर्ट कहाँ पे है आपका? तो फर्स्ट आपका है बाईसरीगल रोड। नहीं, ये जो बिल्डिंग है ये, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति निवास। आपको पता हो कि इंडिया में राष्ट्रपति निवास तीन जगह है, एक तो दिल्ली, एक हमारे शिमला में और एक कहाँ पे है, हैदराबाद में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति नीलम। नेक्स्ट है एलएसली बिल्डिंग, यहाँ पे है हमारा सेक्रेटरिएट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बांस कोट शिमला, ये क्या है? ये इसको बोला जाता है गवर्नर हाउस, मतलब ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट है रेवेन्सवुड शिमला। तो ये जो है इस यही जो बिल्डिंग है इस यही पे है हमारा हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर्स, राइट। नेक्स्ट है आपका, आपको इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर देना है। तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हो, तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए। इट्स गुड फॉर यू एंड ऑब्वियसली दिस विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, राइट। सो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब ये टाइप ऑफ करंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है हमारे पास सिटिंग जजेस का। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।